दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं और जनता से अलग अलग तरह के वादे कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एमसीडी चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी चुनाव जीतने के बाद नई स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA को फंड दिया जाएगा। एक गारंटी देना चाहता हूँ एक तरह से दिल्ली के लोगों को कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में सरकार बनाने के बाद एक स्कीम लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा जनता चलाएगी एमसीडी। अक्सर हमने देखा है कि छोटे छोटे कामों के लिए जनता को नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं, अब जनता निर्णय लेगी और सरकार काम करेगी। एक तरह से जितनी RWAs हैं, RWAs वो बॉडी होती है जो जनता के सबसे करीब होती है, RWAs को मिनी पार्षद का स्टेटस दिया जाएगा। अपने इलाके की, जैसे पार्षद एक वार्ड का बॉस होता है, वार्ड का नेता होता है, अपनी RWA के इलाके का, जो RWA का इलाका है उसका नेता RWA को माना जाएगा, RWA को मिनी पार्षद का स्टेटस दिया जाएगा। RWAs को अपना दफ्तर चलाने के लिए और लोगों के सारे छोटे छोटे काम कराने के लिए फंड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में पार्टी रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि एमसीडी की सत्ता सीधे जनता तक जाएगी। भारत की राजनीति के अंदर हमने ही रिकॉर्ड बनाया था 70 में से 67 सीट का, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली नगर निगम के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है और उससे भी ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। जनता को असली नेता बनाना, दिल्ली के हर नागरिक को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, सीधे सत्ता दिल्ली के लोगों के हाथ में दी जाएगी और जनता जो है अपनी RWAs के जरिए अपने सारे काम करा सकती है। दरअसल दिल्ली में एमसीडी के लिए 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होनी है, जबकि चुनाव के नतीजे 7 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। INS की रिपोर्ट। नमस्कार जी, नमस्कार।